गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर। टुडे वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सेवन, बुक एक्सरसाइज ग्रामर इन यूज। इन लास्ट वीडियो वी हैव डन रीड एंड फाइंड वी हैव डन इट, एंड वर्ड पावर ऑल्सो डन। Now we will start from here, grammar in use. Complete each sentences like the first one. जैसे first इसमें दिया हुआ है, he is going to wash his hands. Then we have to make other the sentences like this. He is going to wash his hands. He के लिए हमने क्या use किया? His. तो यहाँ नेक्स्ट क्या है? देयर आर गोइंग टू, तो फिर देयर आर के लिए हमने प्रोनाउन में भी रेड किया हुआ है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्या आना चाहिए? दे आर गोइंग टू वॉश देयर हैंड्स। यस, दे का देयर हैंड्स। वी आर गोइंग टू, वी का पोजेसिव क्या होता है? आवर। So we use here our. We are going to wash our hands. Now next, I am going to wash. Yes, I का क्या हो जाएगा? Possessive my. I am going to wash my hands. She is going to wash her hands. She के लिए हम क्या use करते हैं? हर। ही के लिए हिज। आर यू गोइंग टू वॉश योर हैंड्स। यहाँ क्या जाएगा? YOUR योर हैंड्स। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट ईच सेंटेंसेस एज शोन। जैसे इसमें शो किया गया है, जैसे फर्स्ट We live with our parents. यहाँ भी हम प्रोनाउंस का ही यूज करना सीख रहे हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड है, इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही सेम जो है सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। Do you live with your parents? जब यू है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? योर पेरेंट्स। Does he live with? तो यहाँ क्या आ जाएगा? His parents. He के लिए हम क्या यूज करें? His parents. Does she live with her parents? Do they live with their parents? Like this we do practice the using of pronouns. Now next, choose the right word for each blank. यहाँ भी हमें जो है right option choose करना है कि कौन सा जो है pronoun use होगा। This is Alka. She is dash sister, me or my. तो यहाँ क्या जाएगा? My sister. Dash is 12 year old. तो अलका के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन क्या आएगा? हर और शी में से व्हाट विल कम? यस, शी इज 12 ईयर ओल्ड। हेयर वी यूज शी फॉर अलका। नाउ इन नेक्स्ट लाइन, डैश एम ओनली नाइन। आई और मी, हेयर वी यूज एज ए सब्जेक्ट आई एम ओनली नाइन। वी ही लिव विद आवर पेरेंट्स इन ए फ्लैट, हेयर वी यूज वी लिव विद आवर पेरेंट्स इन अ फ्लैट। डैश इज अ स्मॉल फ्लैट, इट और ही। फ्लैट के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। यस, इट इज अ स्मॉल फ्लैट, बट डैश लाइक इट, शी और वी, विच वन इज द राइट ऑप्शन? यस, बट वी लाइक इट।
Dash have got a dog. Dash have got a dog. We, she. तो हम यहाँ पे जैसे have भी दिया हुआ plural, so we use here. We have got a dog. Dash is an Alsatian. Austrian. तो ये जो है इसकी species है कि ये किस टाइप का डॉग है. तो हम डॉग के लिए यूज करेंगे इट इज एन Alsatian. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इन 8th चैप्टर वी विल रिवाइज ऑल्सो रीड एंड फाइंड बुक एक्सरसाइज. इन रीड एंड फाइंड 8th चैप्टर पुट और टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. द चैप्टर नेम इज नो योर टिथ. हमने टिथ के बारे में काफी कुछ जो है जैसे इस चैप्टर में रीड किया था, कितने टिथ होते हैं और कितने विजडम टिथ होते हैं, अपर जा में कितने होते हैं. तो ये सब जो है अब हमें इसमें क्या करना है, पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. अब आप मुझे इसमें आंसर बताओगे विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. फर्स्ट, ऑल बेबीज आर बोर्न विद टीथ. यस, इज इट राइट और रॉन्ग? ऑल बेबीज आर बोर्न विद टीथ. यस, रॉन्ग. बेबीज जैसे ही बोर्न होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो उस टाइम उसके कोई टीथ नहीं होते, विदाउट टीथ होता है बेबी. ऑल बेबीज आर बोर्न विद टीथ. इट इज रॉन्ग. Now next, teeth help us to speak properly. Teeth हमारी क्या help करते हैं? क्या ये हमारे जो है बोलने में हमारी help करते हैं? Yes, is it right or wrong? Yes, right. Teeth help us to speak properly. Now third, we have two jaws in our mouth. We have two jaws in our माउथ. हमारे माउथ में जैसे कितने जा होते हैं? यस, टू जा होते हैं, अपर एंड लोअर जा. इट्स ऑल्सो राइट. नाउ इन फोर्थ, एवरी चाइल्ड हैज टू विजडम टीथ. यस, इज इट राइट और रॉन्ग? एवरी चाइल्ड हैज टू विजडम टीथ. क्या टू विजडम टीथ होते हैं? कितने होते हैं? यस, हाउ मैनी विजडम टीथ? Yes, four. It's wrong. It is wrong sentence. So we will cross here. Now fifth, the cutting teeth are called incisor. Yes, what we called incisors. Yes, it's right. Fifth is right. The cutting teeth are called scissors. Incisors. Sixth, the chewing teeth are called molar. जो च्यूइंग टीथ होते हैं जिससे हम अपना फूड जो है च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो ये जो है क्या बोलते हैं उनको, मोलर टीथ. यस, इट्स आल्सो राइट. सेवंथ, द पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनिन. यस, पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनिन. तो ये जो ये भी जो है क्या है, राइट है. हमें आपको ये याद करना है कि जैसे कटिंग टीथ को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स, च्यूइंग टीथ को क्या बोलते हैं, मोलर, और पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनाइन. नाउ एट्थ, अ पार्ट ऑफ ईच टूथ इज इनसाइड द गम. यस, अ पार्ट ऑफ ईच टीथ इज इनसाइड, ईच टूथ इज इनसाइड द गम. तो इसमें जो है अंदर की साइड जो सभी टीथ के पार्ट होते हैं, और ये भी जो है राइट ऑप्शन है. नाउ नाइन्थ जो है, टीथ हेल्प अस टू कट अप एंड च्यू आवर फूड. यस, हेल्प करते हैं या नहीं करते, हम कैसे अपना जो है फूड को खाते हैं, कैसे, किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से. सो इट्स आल्सो राइट. नाउ क्वेश्चन आंसर वी विल रिवाइज इन नेक्स्ट वीडियो. Now we will revise word power. In word power, use the words in the box to fill in the blanks. जैसे blanks में दिए हुए हैं, इसमें box में दिए हुए हैं, तो हमें blank इसमें fill करना है. जैसे
हम कर भी चुके हैं, जैसे इनके जो है पार्ट्स होते हैं, द डैश ऑफ अ पिन, पिन का क्या होता है हेड, जैसे ये जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं हेड, द हेड ऑफ अ पिन, द डैश ऑफ अ चेयर आर्म ऑफ अ चेयर, द डैश ऑफ अ चेयर बैक ऑफ अ चेयर, द डैश ऑफ अ टेबल, टेबल की जो है ये लेग्स होती है जैसे लेग ऑफ अ चेयर, द डैश ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जैसे फ्रंट जो फेस होता है उसको क्या फेस बोलेंगे, द फेस ऑफ अ क्लॉक, द माउथ ऑफ अ टनल, माउथ ऑफ अ टनल, द आईज ऑफ अ नीडल, नीडल में जैसे जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं आई, द आई ऑफ अ नीडल, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, हवर जो है जैसे कि हैंड्स टू हैंड्स होते हैं वैसे थ्री हैंड्स होते हैं, सेकेंड वाला भी होता है पर मेन जो है टू हैंड्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। नाउ आंसर दीज राइडल्स, राइडल्स दी हुई हैं जैसे इनके हमें आंसर, जैसे व्हाट हैज अ फुट बट नो लेग्स, ऐसा क्या है जिसके फुट तो होते हैं पर लेग्स नहीं होती, तो ये जैसे ऑलरेडी गिवन है अ माउंटेन। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैज लेग्स बट कांट वॉक, अभी जैसे हमने फिलिप्स में भी रीड किया था द लेग ऑफ अ टेबल, तो इसमें जैसे आप इसमें आंसर इससे गैस कर सकते हो जैसे व्हाट हैज लेग्स बट कांट वॉक, ऐसा क्या है जो जिसके लेग्स तो होती हैं पर चल नहीं सकता, क्या होता है ऐसा, यस टेबल, अ टेबल। व्हाट हैज आर्म्स बट नो हैंड्स, आर्म्स तो हैं बट हैंड्स नहीं है, आगे का पार्ट जैसे कि हैंड्स हमारे हाथ जिससे हम कोई भी चीज को होल्ड करते हैं, तो ये जो है क्या है व्हाट हैज आर्म्स बट नो हैंड्स, ऐसा क्या होता है जिसके आर्म्स तो होती हैं बट हैंड्स नहीं होते, यस व्हाट्स द राइट आंसर, अ चेयर, यस अ चेयर जिसके आर्म्स तो होते हैं बट हैंड्स नहीं होते। व्हाट हैज टू हैंड्स बट नो आर्म्स, ऐसा क्या है जिसके टू हैंड्स होते हैं बट आर्म्स नहीं होती, यस इससे पहले भी हम रीड कर चुके हैं व्हाट हैज टू हैंड्स बट नो आर्म्स, जिसके टू हैंड्स तो हैं बट आर्म्स नहीं है, तो ये क्या होता है क्लॉक, अ क्लॉक जो घड़ी होती है उसमें जो आवर और जो मिनट वाली जो होती है सुई होती है उसको क्या बोलते हैं हैंड्स, और इनकी आर्म्स नहीं होती, ऐसे चेयर में आर्म्स होती है हैंड्स नहीं होते। नाउ चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ईच सेट, हमें इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है सर्कल करना है, और यस ट्राई टू फाइंड आउट फिगर 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 फिगर, तो इसमें राइट जो है एफ आई जी यू आर ई, फिगर की क्या स्पेलिंग होती है एफ आई जी यू आर ई, और हाइट हाइट की क्या स्पेलिंग होती है एच ई आई जी एस टी, एंड नाउ नेक्स्ट कलेक्ट की क्या स्पेलिंग होती है सी ओ डबल एल ई सी टी कलेक्ट, यस और नेक्स्ट वी विल रिवाइज इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा थैंक यू, रिवाइज एंड लर्न दीज बुक एक्सरसाइज, वेन स्कूल विल ओपन देन वी विल टेक टेस्ट रिटन टेस्ट, सो लर्न इट नाउ, ओके बेटा थैंक यू।